नागपत। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शामली की ओर जा रही है। जयराम रमेश साहब जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सर यात्रा दूसरे दिन के शाम को है अब इस समय, तो किस तरीके का रेस्पॉन्स आप देखते हैं, खास करके ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक सिरे वाला डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, हमें अयोध्या राम मंदिर के महंत से एक स्वागत पत्र मिला। चंपक राय जैसे VHP नेता ने स्वागत किया। अभी अभी रास्ते में बरौली में हमने देखा BJP के ऑफिस से लोग स्वागत कर रहे थे। तो योगी की दुनिया में एक जलवायु परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन सर, जो BJP के लोग हैं वो लगातार प्रहार कर रहे हैं, वो ये जलवायु परिवर्तन महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी नफरत की दुकान जो है उन्होंने खोला है। नफरत की दुकान नहीं है, वो नफरत के बाजार है। तो नफरत के बाजार जो खोले हैं वो खतरे में है, क्योंकि ये मोहब्बत का दुकान जो राहुल जी ने खोलने का प्रयास किया है, ये एक मूवमेंट बन गया है। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, झूठे वादे तोड़ो, भारत जोड़ो, उत्तर प्रदेश में विषमताओं से हटो, भारत जोड़ो, ध्रुवीकरण से हटो, भारत जोड़ो, राजनीतिक तानाशाही से हटो, भारत जोड़ो, तो ये सब गूंज रहा है। और लोग जान गए हैं कि अभी वक्त आ गया है बदलने का, परिवर्तन का, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा हमारे देश की राजनीति में। शुक्रिया आपका। तो दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी साथ ही चल रहे हैं इस मूवमेंट में। सर, उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव सा दिख रहा है आपको इस भारत जोड़ो यात्रा के? जो जयराम रमेश जी ने कहा है उसमें मेरी सहमति है, बस खत्म। रास्ते में लोग जा रहे हैं, राहुल गांधी की जय कर रहे हैं, इस तरीके का माहौल जो है भारत जोड़ो यात्रा में लगातार दिख रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बागपत। बागपत की एक पहचान ही